तो अब हम इस वीडियो में शुरू करेंगे हमारा फ्यूचर आईपीआर। फ्यूचर आईपीआर होता क्या और किस लिए हम यूज करते हैं। अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमारा आईपीआर पढ़ा सिंपल, अगर वोवल सिक्वेशन वाला टू फेज वाला, ये इसमें रिजर्व प्रेशर मेरा फिक्स रहता था और पीडब्ल्यूएफ को ही चेंज करता था मैं क्यू पे, ठीक है। रिजर्व प्रेशर फिक्स रहता था, एक करंट रिजर्व प्रेशर पे रहता था, किस पे रहता था ये करंट रिजर्व प्रेशर पे, ठीक है। करंट रिजर्व प्रेशर पे मैं क्या करता था, आईपी अपलोड करता था। अब समय के साथ क्या होगा, मेरा वही रिजर्व प्रेशर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने की वजह से मेरी क्या होगी प्रोफाइल नीचे की तरफ क्या होगी शिफ्ट होगी, ठीक है। ये कारण है प्रोफाइल क्या होगी मेरी नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। अब यही जो है ना, मेरे को अभी मेरा रिजर्व प्रेशर इतना है तो आईपीआर इतना बन रहा है, पर अगर मेरे को फ्यूचर में देखना है भाई, अगर मेरा 3000 अभी प्रेजेंट पे है और आगे जाके मेरा रिजर्व प्रेशर 2000 हो जाता है तो मेरा आईपीआर कैसा बनेगा, यानी फ्यूचर इनफ्लो परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, मेरा फ्यूचर आईपीआर कैसा बनेगा, मेरे को क्या, मेरे को इसका डाटा पता है, मेरे को ये चीज़ प्रेडिक्ट करनी है ये अगली किसी भी रिजर्व प्रेशर पे आगे टाइम पे। तो जब हम प्रिडिक्शन करते हैं ना फ्यूचर आई, मतलब प्रिडिक्शन फ्यूचर में भाई हमारा आईपीआर कैसा रहेगा करते हैं, तो मेनली ये किस पे रहते हैं, मेरी इक्वेशंस पे रहती है, ठीक है। ये वोवल्स ने एक इक्वेशन दी थी मेरे को फ्यूचर आईपीआर निकालने के लिए। अब मैं इक्वेशन देखू ना, मेरी इक्वेशन कैसे रहती है, इतना क्लियर। करंट रिजर्व प्रेशर मेरा बनता है, फ्यूचर आईपीआर में हम क्या देखते हैं अगले रिजर्व प्रेशर पे प्लॉट करते हैं, इतना क्लियर कहानी, इतनी क्लियर, ठीक है। अब क्या किया था वोवल्स ने, एक रिलेशनशिप लिया था, वोवल्स ने कहा था प्रेडिक्ट करने के लिए कि क्यू मैक्स अगर आपको प्रेडिक्ट करना है ना फ्यूचर का, तो वो किससे प्रेडिक्ट हो सकता है, वो इसमें फिट हो सकता है मेरा क्यू मैक्स प्रेजेंट, ये तो मेरे को पता ही है प्रेजेंट कितना है, पी आर फाइनल मतलब जो मेरा रिजर्वायर जो मेरा आगे होगा फ्यूचर में जो 2000 जो मेरा पी आर फ्यूचर बोलेंगे इसे फाइनली, पी आर प्रेजेंट, ठीक है, पी आर क्यू मैक्स फ्यूचर, क्यू मैक्स प्रेजेंट, पी आर फाइन प्रेजेंट, ओ सॉरी फ्यूचर डिवाइड बाई पी आर प्रेजेंट, ये तो बन गया ना, चलो 0.2 + 0.8 पी आर फ्यूचर डिवाइड बाई पी आर प्रेजेंट, बस ये वाली इक्वेशन उसने दी थी वो उसने कि अगर आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है ना तो आप इस इक्वेशन में रखो क्या किस रिजर्व पे कौन सा रिजर्व प्रेशर पे प्रिडिक्ट करना है, अभी का रिजर्व प्रेशर, अभी का रिजर्व प्रेशर कौन सा प्रेशर पे, कौन सा फ्यूचर प्रेशर पे फिट करना है, और जो मेरा अभी का क्यू मैक्स प्रेजेंट है, ये मेरी प्रिडिक्शन थी। एक बार मेरा क्यू मैक्स फ्यूचर का निकल गया तो मैं सिंपल वही क्यू मैक्स फ्यूचर 1 - 0.2 PWF पी आर फ्यूचर, वो इक्वेशन अब पी आर फ्यूचर यूज होगा प्रेजेंट यूज होगा क्योंकि मेरा रिजर्व प्रेशर अब चेंज हो चुका है, PWF पी आर फ्यूचर, ये मेरी वोवल्स वाली इक्वेशन क्या होगी यूज होगी फ्यूचर आईपीआर निकालने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया मेरे को क्यू मैक्स प्रेजेंट, क्यू मैक्स प्रेजेंट, पी आर फाइनल, पी आर प्रेजेंट, फाइनल मैं इसलिए बोल रहा हूँ फाइनल और फ्यूचर एक ही बात है, यह मेरे को मेरे मुंह पे चढ़ा होगा फाइनल इसको बोल, तो पी आर फ्यूचर बाई पी आर प्रेजेंट 0.2 + 0.8 पी आर फ्यूचर जेड बाई पी आर प्रेजेंट, ऐसे ही मेरा ये पी डब्ल्यू एफ फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर है, मेरे बस पी आर एफ है, ये मेरा पी डब्ल्यू एफ क्योंकि पी डब्ल्यू एफ तो मेरा चेंज ही होगा ना उस पे, ये वाला जो मेरा पी डब्ल्यू एफ होगा ये वाला तो मेरा सेम रहेगा ना, बस मेरा नीचे वाले पॉइंट से शुरू होगा PWF, ऊपर वाले पूरे पॉइंट से नहीं शुरू होगा क्योंकि मेरा रिजर्व प्रेशर अब नीचे गिर चुका PR2 पे, PR1 पे नहीं रहा, ये PR1 है ये वाला, ये PR2 है, ठीक है।
ये मेरी किसने दी थी, बॉबल्स ने दी थी। अब बॉबल्स पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे। ये नोट कर लिया ना, इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर प्रेजेंट, फ्यूचर प्रेजेंट पे अभी तक तो गेट ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और आगे भी सही। पूछने के चांसेस बहुत कम है फ्यूचर और प्रेजेंट पे सवाल गेट का। पर हमें तो पढ़ना ही है गेट के सिलेबस में, तो मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा भी फ्यूचर प्रेजेंट कैसे रहता है। तो यही होती है मेरी 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 इक्वेशन। अगर मैं न्यूमेरिकल देखूँ, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल में मेरे को गिवन है पी आर प्रेजेंट गिवन है 25 psi, मतलब अभी करंट जो चल रहा है। क्यू ओ मैक्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन है 1067.1 स्ट्रोक टैंक बैरल पर डे। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है अब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है कितने रिजर्व प्रेशर पे अगर मेरा ये किस पे चला जाए, 2000 पे चला जाए। क्या ये सैचुरेटेड रिजर्वर है, टू फेज रिजर्वर है, बोबल्स इक्वेशन वैलिड है। ठीक है, इतना क्लियर। 2500 से मेरे को ये मेरा क्या है, पी आर फ्यूचर। ओके, सिंपल। क्या करूंगा मैं आंसर निकालने के लिए, वही क्यू क्यू मैक्स फाइनल का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्यू मैक्स फाइनल इज इक्वल टू क्यू मैक्स पी आर फ्यूचर पी आर प्रेजेंट 0.2 प्लस 0.8 पी आर फ्यूचर पी आर प्रेजेंट। ठीक है, ये वाला मैं क्या लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा। अब इसमें मैं बस ये वाली वैल्यूज मेरे को इसमें पुट कर देंगे क्यू ओ मैक्स फाइनल निकालने के लिए। क्यू मैक्स अभी कितना है, 1067.1। पी आर फ्यूचर, पी आर फ्यूचर कितना है, पी आर फ्यूचर है मेरा 2000 डिवाइड बाय 2500। ठीक है भाई, 2000 डिवाइड बाय 2500 0.2 0.8 2000 डिवाइड बाय 2500। ठीक है, तो ये मेरे कितने के इक्वल आएगा, ये मेरा आएगा 849 स्ट्रोक टैंक बैरल पर डे। मतलब मेरा क्यू मैक्स, जाहिर सी बात है अगर मेरा कर्व ऐसे बन रहा है करंट पे, तो फाइनल पे मेरा फ्यूचर पे इतना बनेगा, मेरा यहाँ पे ये कम हो जाएगा इससे। ये कुछ कितना था, 1067, और अब कितना आ रहा है, 849, कैलकुलेट करके। ठीक है, अब सिंपल वैसे ही करना है जैसे मैं करता हूँ। इक्वेशन बनानी है मुझे और इक्वेशन पुट करा देनी है। अब मेरी फाइनल का मेरा क्या मिल गया, मेरे को क्यू मैक्स मिल गया फाइनल का। अब सिंपल वैसे इक्वेशन बनाऊंगा मैं जैसे बनाता हूँ, क्यू इज इक्वल टू क्यू मैक्स 1 - 0.2 पी डब्ल्यू एफ अपॉन पी आर फ्यूचर। पी डब्ल्यू एफ फ्लोइंग बॉटम वॉल प्रेशर है, और अगर मैं आर के साथ लिख रहा हूँ तो वो क्या है, फ्यूचर होल स्क्वायर, ये 0.8 इसका क्या है कोफिशिएंट। ठीक है, इतना क्लियर। वैल्यू पुट कराओ, 849 1 - 0.2 पी डब्ल्यू एफ। अब मेरा रिजर्व प्रेशर कितना हो चुका है, 2000, यानी फ्यूचर में 2000 होगा मेरा पी डब्ल्यू एफ अपॉन 2000 होल स्क्वायर,
और कैपिटल क्यू। अब अगर मैं इसको अपलोड करूंगा ना, तो ये जो मेरा पहला आईपीआर था ना जो प्रेजेंट वाला, उससे नीचे आएगा और ये मेरे को क्या पता लग जाएगा प्रेडिक्ट। अभी मेरा ये वाला है प्रेजेंट वाला, ये मेरे को पता लग जाएगा कि कभी कभी फ्यूचर में अगर मेरा 2000 होता है ना, इतना रिजर्व प्रेशर होता है, तो मेरा आईपीआर ऐसे बनेगा। क्लियर? तो ये था मेरा वोबल्स का फ्यूचर आईपीआर। ठीक है, ऐसी एक मेरी इक्वेशन दी थी पेटकोविच ने दी थी। प्रेडिक्ट वैसे ही वोबल्स से ही करते हैं, पर पेटकोविच ने दी थी फ्यूचर आईपीआर मेरी प्रेडिक्ट करने की इक्वेशन। पेटकोविच इक्वेशन अलग है, वो स्पेशल इक्वेशन में आएगी, ये उसने एक और बीच में दी थी इसी में ही। चलो पेटकोविच इक्वेशन अभी हमने पढ़ी है और स्पेशल इक्वेशन में आएगी, दोनों अलग अलग हैं। ये पेटकोविच इक्वेशन फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए, वो पेटकोविच इक्वेशन मेरी आईपीआर प्रूव करने के लिए आती है, बस ये समझ लो। अगर पेपर में कभी पेटकोविच इक्वेशन आता है लिखा हुआ, तो ज़्यादा चांसेस है वो वाली जो मेरा आईपीआर अपलोड करने में इनके बाद पढ़ाऊंगा वो वाला, ये वाला के चांसेस कम है। तो पेटकोविच ने भी जैसे इसने मेरी वोबल्स ने दी थी ना क्रेडिट करने के लिए, इसमें तो पता लग गया था ना क्यू वर्सेस पीडब्ल्यूएफ, क्यू वर्सेस पीडब्ल्यूएफ मैं अपलोड करूंगा तो फ्यूचर में आएगा ये वाली इक्वेशन लिख के। इतना मेरे को क्लियर हो गया था मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, तो मेरे को पेटकोविच ने भी दी थी एक, पेटकोविच ने दी थी मुझे QMAX फ्यूचर, वैसे ही QMAX प्रेजेंट, बस इसने यहां पे PR फाइनल यानी फ्यूचर PR प्रेजेंट की पावर 3 ये गिवन दे दी थी बस इसने ये वाली इक्वेशन। अब मेरे को जो फ्यूचर निकालना है ना वो मैं इस वाली इक्वेशन से निकालूंगा। वो उसने बड़ी इक्वेशन दी थी 0.2 प्लस 0.8 करके, जो मेरी इक्वेशन जो मैंने पहले लगवाई है। तो ये मेरी पेटकोविच की हेल्प से भी फ्यूचर आईपीआर हो गया। अभी हमने क्या देखा, फ्यूचर आईपीआर की इक्वेशंस देखी और फ्यूचर आईपीआर पे एक न्यूमेरिकल देखा और फिर पेटकोविच इक्वेशन की देखी, पेटकोविच फ्यूचर इक्वेशन देखी। ठीक है, बस यही होता है मेरा फ्यूचर आईपीआर में फ्यूचर इंट्रो परफॉर्मेंस में। ठीक है, गेट ने अभी तक इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आगे आने के भी चांसेस थोड़े कम है। और बस हमारा काम था पढ़ना या पढ़ाना तो कर दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे अपनी स्पेशल इक्वेशन, जिसमें मेरी आएगी पेटकोविच इक्वेशन पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, पेटकोविच इक्वेशन, ये तो पेटकोविच फ्यूचर आईपीआर के लिए थी, वो पेटकोविच किसके लिए, मेरी सिंपल आईपीआर अपलोड करने के लिए। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।